वेलकम टू हमारी रसोई। आज मेरी रेसिपी है चिकन मखनी टिक्का। चिकन मखनी टिक्का के ना यहाँ पे मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ले ली है। इसे हम अब मैरिनेट करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। 1 टेबलस्पून 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, तंदूरी रेड कलर, 1 to 2 pinch एंड 4 टेबलस्पून कर्ड। अच्छे से मिक्स देंगे। इस रेसिपी में जितने भी हमारी चिकन होगी उतने हम टमेटो प्यूरी ले यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 400 ग्राम चिकन है तो 400 ग्राम ही टमेटो प्यूरी ऐड होगी इस ग्रेवी में। वन टेबलस्पून हम लाइम जूस ऐड करेंगे इसमें। इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए में चिकन टिक्का मखनी की ग्रेवी रेडी करते हैं। यहाँ पर 400 ग्राम टमेटो प्यूरी, सबसे पहले टमेटो प्यूरी ऐड होगी। कोई ऑयल और कोई बटर नहीं जाएगा इसमें। इसे हम 5-10 मिनट के लिए कुक करेंगे जब तक हमारी प्यूरी थोड़ी ड्राई अप नहीं हो जाती। यहाँ पर हमारी टमेटो प्यूरी का पानी ऑलमोस्ट ड्राई अप हो चुका है। देखिए कैसा टेक्सचर आ गया है इसका। अब हम इसमें 2 to 3 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करने के बाद हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी रेडी हो गई। अब हम इसमें 1/4 कप क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। इसके बाद हम अपने ऑन द अदर हैंड मैंने चिकन टिक्का पीसेस को भी रेडी कर लिया है। मैंने उसे फ्राई पैन में शैलो फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद हम उसे इस ग्रेवी में ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। हम इसमें चिकन टिक्का पीसेस ऐड करेंगे। मैं फ्राई पैन में से शैलो फ्राई कर लिया था। यहाँ पर मैंने देखी में ग्रेवी में अपनी चिकन टिक्का ऐड कर दिया है। इसे हम 2-3 मिनट के लिए बस सौते करेंगे और आज ही हमारी डिश चिकन टिक्का मखनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आज की डिश चिकन टिक्का मखनी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सर्विंग बाउल में निकाल दिया। डू ट्राई दिस रेसिपी, लाइक माय रेसिपीज, शेयर माय रेसिपी, सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू सून विद माय नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन एंजॉय।